गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ फेस वॉश का। फ्रेंड्स, और ये नरिशिंग फेस वॉश है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे फेस वॉश हो या कोई क्रीम हो या स्क्रब हो या सीरम हो, कुछ भी हो, वो सब चीज़ें मैं तभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जब मुझे अच्छा लगता है और मुझे स्किन पर अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये फेस वॉश बहुत अच्छा है और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं इसको काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ। ये देख सकते हो आप, आई होप सो आपको नज़र आ रहा हो। फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर ये प्रोडक्ट को, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब आप लोग इसको यूज़ करोगे ना, तो आपको तभी पता चलेगा ये कैसा टेक्सचर है और कैसा लगता है। फील तभी होगा जब आप इसको यूज़ करोगे, क्योंकि जब आप इसको यूज़ करते हो ना, फिर इसके बाद जब आप वॉश करने के बाद इसको आप पैट ड्राई करते हो, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है फेस। इस तरह से स्किन मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ तो लगती है, लेकिन आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन और प्लम्प बहुत अच्छे से लगता है। तो बहुत अच्छा है ये फेस वॉश। अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो डेफिनेटली इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर यूज़ करिएगा, तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसका रिव्यू एंड डेमो सब कुछ मैं दूंगी फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर आप इंस्टाग्राम पर भी रील बनाती हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहें तो, ये आपकी चॉइस है, बट मैंने बता दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा पसंद आए शेयर कर सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इसका रिव्यू। एंड फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ गुड वाइब्स का आर्गन नरिशिंग फॉर्मिंग फेस वॉश का, और ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ आपको, जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं वही चीज़ों का रिव्यू शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं आपको बता दूँ, नो पैराबेन, नो सल्फेट और 100% वीगन है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा इधर, और नो एनिमल टेस्टेड है, नो मिनरल ऑयल है इसमें। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, और बहुत ही अच्छे से ये नरिशमेंट कर देता है आपके फेस को। और अभी विंटर्स आने वाले हैं तो नरिशमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विंटर्स के समय में, और आर्गन के साथ आता है तो काफ़ी अच्छा ब्राइटनिंग तो कर ही देता है आपका फेस को। देखिए, फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। क्लीन तो सारे ही फेस वॉश कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से डीपली क्लीन करता है। और ये आपको 135 रुपीज़ में ये मिलता है, लेकिन अभी ये है नहीं शायद पर्पल पर, लेकिन और मैंने जब इसको देखा तो सर्च किया तो उसमें नहीं था, बट बाद में मिल जाएगा कभी आप लोगों को, अगर आप लोग देखते रहोगे, अगर आप लोगों को बाय करना है तो। और मैं आपको बता दूं इसका नेट मतलब ये कितना वेट है इसमें, तो 150 ml आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, और 150 ml के अकॉर्डिंग बहुत, तो से अगर आप अकेले ही यूज़ कर रहे हो ना, 3-4 महीने इजीली जाता है। आप 2 times तो आप यूज़ करोगे ही, ज़्यादा टाइम तो यूज़ करोगे नहीं। और आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी शेयर किया था शॉर्ट में, और उसी में ये भी था, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, और इसको ना यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका पंप है ना, वो ख़राब हो चुका है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती कि इसमें फॉर्मिंग कैसे निकलता है, लेकिन हाँ, मैं इसको ऐसे ही रब कर लेती हूँ तो काफ़ी अच्छे से ये रब हो जाता है और अच्छे से क्लीन कर देता है फेस को। तो मैं जब यूज़ करूँगी ना, तब आपको दिखाऊँगी। और जो इसकी इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी इसमें ग्लिसरीन वगैरह मिल जाएगी, जो कि आपकी नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छी है। और तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें ग्लिसरीन है और सोडियम है और आर्गन ऑयल है, और इसमें जो रोज़ सीड ऑयल है, इसमें रोज़ हिप ऑयल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि एसिडिक हैं, जो काफ़ी अच्छी हैं। ऑलिव ऑयल है इसमें, जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा से कर देता है, स्मूथ कर देता है ऑलिव ऑयल, और मतलब नरिशमेंट कर देता है। और टी ट्री लीफ है इसमें, जो कि बहुत अच्छा है ऑयल है इसमें, टी ट्री ऑयल लीफ ऑयल है जो कि, और जेरेनियम ऑयल है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूदिंग करता है, आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रदान करता है, जो कि आप अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल ड्राई ना रहे, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आँख बंद करके यूज़ कर लीजिए, ब्लीव करिए मुझ पर, और बहुत अच्छे से मतलब खिंचती नहीं है स्किन, मतलब जैसे विंटर आ रहा है, विंटर में बहुत ज़्यादा स्किन ना ड्राई हो जाती है और इचिंग सी होती है, जो कि इससे नहीं होगी। अगर आप इसको यूज़ करके देखोगे ना, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इचिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। काफ़ी अच्छा
फेस वॉश है, इसको ज़रूर से ज़रूर यूज़ करके देखिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को इसको बाय करना है तो उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर मुझे इसका लिंक मिल जाता है तो, वरना आप खुद देख सकते हो, जब भी आपको मिले तो आप ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया, इसका रिव्यू देख लिया है, डेमो देख लिया है। और इसका जो पंप था ना, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है और ये वाला लगा दिया है। उसमें जो वो वाला आया था ना उपटन वाले फेस वॉश का, तो मैंने वो लगा दिया है। तो काफ़ी अच्छे से इसको इस पर भी ये सूट कर रहा था, मतलब इस पर ये लग जा रहा था, जैसा जितना प्रोडक्ट वो था उतना ही ये भी है, तो मैंने इसमें लगा दिया है। काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ करना तो कन्वीनियंटली बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डेमो में। और फ्रेंड्स, अगर ये आप लोगों को लेना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। अगर प्रोडक्ट होगा तो मैं लिंक दे दूंगी, मैं पर्पल से मैंने बाय किया है, अगर होगा वहां पर तो आपको मिल जाएगा लिंक, नहीं तो आप लोग खुद सर्च करिएगा। तो अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है, थोड़ा भी आप लोगों को मुझे अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे रिव्यूज पसंद आते हैं, तो प्लीज यार लाइक जरूर कर दिया करिए और थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोग और क्या देखना चाहते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी आगे बढ़ने का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों का। और आप लोगों के साथ मुझे वीडियोज बनाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा सा मतलब हो जाता है ना। मैं पहले यही सोचती थी कि क्या ज़रूरी है अगर कोई वीडियो में लाइक नहीं कर रहा है या फिर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पर हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि हाँ, लाइक करना भी ज़रूरी होता है और सब्सक्राइब भी और कमेंट भी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, जैसे और लोगों को सपोर्ट करते हो और यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और जिसको ज़रूरी होता है उसको आप हेल्प नहीं करते हो, जिसको ज़रूरी नहीं है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, तो वो लोग ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं, ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है। लेकिन जिसको ज़रूरी है उसको आप लोग हेल्प नहीं करते हो, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है यूट्यूब पे। तो बस यही है, आप लोगों के साथ शेयर करना था तो मैंने आपको बता दिया है। और जो भी बताती हूँ मैं, आप लोग फ्रेंकली होकर बताती हूँ, सब कुछ मतलब बिल्कुल सही से बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, मुझे कैसा लगता है, मुझे क्या फील होता है, मैं किस बारे में आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, किस चीज़ के बारे में, और अपने अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं कैसा मैं फील कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना फैमिली मेम्बर मानती हूँ इस वजह से। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, और इसी प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने आई थी, लेकिन थोड़ा सा निकल आई है बात, तो मैंने बात कर ली। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।